नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विधानसभा से लेकर कलेक्ट्रेट तक सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। यही नहीं, विरोध के दौरान एक उत्साही विधान परिषद सदस्य विधानसभा के गेट पर चढ़ गए, बाद में वो विधानसभा परिसर में चले गए। वहीं पुलिस पर नागरिक संशोधन का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस की फायरिंग की, साथ ही लोगों ने पुलिस फोर्स पर पथराव भी किया। बता दें कि खदरा इलाके में भी हालात बेकाबू हो गए। यहां पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर फायरिंग की। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी बताइए, जिस तरह से पूरे देश भर में सीएए का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, कार्यकर्ता जो हैं और विरोधी पक्ष के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी फिलहाल वहां पर लखनऊ में क्या माहौल है? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि जहां एक तरफ गंगा जमुना की तहजीब पुराने राजधानी लखनऊ को जहां बोला जाता है, वहीं कल सर्वनाश जो हरकतें हुई हैं, जिसमें कई ओबी बहन, कई पत्रकार भी घायल हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी हैं, जिसको लेकर आज बीपी रमा शास्त्री एडीजी जोन ने कहा कि मामला जो है शांतिपूर्वक बनाए रखे हैं। सभी लोग इंटरनेट की अगर सुविधा की बात करें तो इंटरनेट सुविधा भी बंद करा दी गई है, जिसमें आज जुमे की नमाज है तो वो नमाज पढ़ने आएंगे और शांतिपूर्वक ढंग से अगर वो नमाज पढ़ के निकल जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर बड़ी बात सवाल तो यह उठता है कि आज जो जिस तरह से फोर्स, बाहर की भी फोर्स लगाई, ब्लैक कमांडोज लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई है, कई ऐसी फोर्स हैं जो उनको यहाँ पे बुलाया गया है और टीली अली मस्जिद से अभी हालांकि शांति व्यवस्था तो ठीक लग रही है और 1:30 बजे के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, जिस तरीके से कल लखनऊ में देखा कि जो विरोध है वो लगातार जो है कार्यकर्ताओं का वो बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी फिलहाल वहां पर आपकी अधिकारियों से क्या बात हो पाई है, क्या उन्होंने व्यवस्थाओं को वहां पे बनाए रखा है? जैसा कि आपने बताया कि जुम्मे की नमाज है, क्या वहां पे व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से बनाए रखा है? देखिए, आपको बता दें कि जगह जगह जो है सबको जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सबको जो है लगा दिया गया है। टीली अली मस्जिद पे तमाम सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों को जागरूक कर और जो है कई ऐसी फोर्स है जो बाहर की जो फोर्स बुलाई गई है उनको भी लगाया गया है और उनको भी रमा प्रताप शास्त्री जी ने बताया, डीजी जोन ने बताया है कि जो टीली अली मस्जिद में जो नमाज भी है, नमाज पढ़ने आएंगे, उनको शांतिपूर्वक से वो नमाज पढ़ के निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। और जो जिस तरह से कल पथराव, ईटाबाजी जो किया है, जो दंगवाइयों ने, जो जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने जो कल कई चीजों का जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इसकी भी भरपाई करने की बात है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है कल रात में। आपको बता दें कि ये बड़ा शर्मनाक की बात है कि जहां एक तरफ जनता कहती है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, आप जनता भी कहती है कि घबराइए आप लखनऊ में। जी जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए।